बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं आपकी शेफ रुबीना। आज हम बनाने जा रहे हैं खड़े मसाले का कीमा, जिसके लिए मैंने 1 किलो कीमा लिया है मटन का, 2 दरमियाने साइज के प्याज लिए हैं, 1.5 चम्मच मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है और 2 दरमियाने साइज के टमाटर लिए हैं। चलें अब बनाना शुरू करते हैं। पैन हमारा गर्म हो चुका है। अब हम इसके लिए 1 कप मैंने ऑयल लिया है, मैं इसमें ये ऐड करूंगी। जैसे ही ऑयल हमारा गर्म होता है, उसके साथ ही मैं कीमा ऐड करूंगी। 1.5 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है, वो ऐड करूंगी। इसको थोड़ा सा फ्राई करूंगी। अदरक लहसुन जो है कीमे की स्मेल को खत्म करता है। मैंने इसमें कीमा ऐड कर दिया हुआ है, आप इसको अच्छी तरह मैं भूनूंगी और इसका अपना एक पानी है वो खत्म करना है मैंने। अब इसको 4 से 5 मिनट के लिए पकाएंगे और इसका पानी खुशक करेंगे। तीन से चार मीनट हो गए हुए हैं कीमे को पकते हुए, पानी इसका अपना जो था वो खुशक हो गया हुआ है। इस स्टेज पे आके इसमें हम टमाटर ऐड करेंगे। टमाटर हमारे अच्छी तरह गल चुके हुए हैं, अब इनका छिलका रिमूव करूंगी मैं। अब इसमें हम प्याज ऐड करेंगे। और इसको अच्छी तरह फ्राई करेंगे, प्याज को भी 1 से 2 मिनट तक फ्राई करेंगे। इसमें हम ऐड करेंगे 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 चम्मच नमक लेवल, 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1/2 चम्मच काली मिर्च पाउडर। अब इन तमाम मसालों को अच्छी तरह मिक्स करेंगे। ये खड़े मसाले का कीमा है, ये मेरी अम्मी बहुत शौक से बनाती थी हमारे लिए। 1 चम्मच कड़ाही मसाले का ऐड करूंगी, इससे कीमे का फ्लेवर बहुत ही अच्छा रहता है, दुबाला ही हो जाता है। इसकी अच्छी तरह भुनाई करेंगे, 1 से 2 मिनट तक इसको दम पे रखेंगे।
इसमें हम 3 से 4 हरी मिर्चें हैं जो मैंने बारीक काट ली हुई है जूलियन शेप में, वो ऐड करूंगी। इसमें धनिया ऐड करेंगे, अब इसको हम गार्निश करेंगे। मैंने 2 अदद लेमन लिए हैं और इनको बारीक स्लाइस में काट लिया है, इससे हम गार्निश करेंगे। ये घर की ही है, ये खड़े मसाले का कीमा है, इसलिए हम इसमें प्याज भी ऐड करेंगे। लास्ट में हम गरम मसाला ऐड करेंगे। मजेदार खड़े मसाले का कीमा तैयार है, बहुत ही हेल्दी है और टेस्टी है। आप भी ट्राई करें और फिर बना के मुझे कमेंट में बताएं। अल्लाह हाफिज़।